सो लड़गर्स, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y72 डिवाइस के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग सेव कहाँ होती है। एक्चुअली गाइस, क्या है कि जब से ये गूगल डायलर दिया गया है हमारे फ़ोन के अंदर, इसमें से आपको फाइल मैनेजर का एक्सेस हटा दिया गया है और इसके साथ आपको गूगल फाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन, और हम उसका यूज़ करेंगे। हालांकि होता क्या था, जब भी हम कोई कॉल को रिकॉर्ड करते थे वो चीज़ें आपको फाइल मैनेजर में इजीली दिख जाती थी, एंड ये भी चीज़ें फाइल मैनेजर में डेफिनेटली देखती होगी। अगर आपको हो सकता है कि गूगल डायलर में अलग से कोई स्टोरेज हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेव होती होगी। लेकिन मैं आपको एक ईजी तरीका बताऊंगा जिससे आप जो आसानी से जान सकते हैं कि आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो कहाँ सेव होती है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको गूगल फाइल का यूज़, इसको आप क्लिक करिए। फाइल मैनेजर ये भी काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको गूगल फाइल का, फाइल मैनेजर किसी का। आपको यहाँ पे डाउनलोडेड इमेज, वीडियोज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ऑप्शन है। हालांकि ये उतना एडवांस नहीं है जितना कि एक फाइल मैनेजर होना चाहिए, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी इसकी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लीन का ऑप्शन है, यहाँ से इसको क्लीन कर सकते हो, जो डुप्लीकेटेड फाइल्स वगैरह है देख सकते हो। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहीं से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। शेयर वाला ऑप्शन है, यही एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, और ये कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट भी ये था, एंड यही एक ऐसा ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा है फाइल मैनेजर के अंदर। मे भी शायद और भी फाइल मैनेजर होते थे उसमें नहीं होता था, लेकिन ये चीज़ें एक्स्ट्रा है। आप यहाँ से किसी को भी इजीली शेयर कर सकते हो जो फाइल वगैरह शेयर करनी है। यहाँ पर हम करेंगे ब्राउज पे क्लिक, और यहाँ पर आएंगे इंटरनल स्टोरेज में। अब यहाँ पर हमें ढूंढनी है कॉल रिकॉर्डिंग, तो कॉल रिकॉर्डिंग हम ढूंढेंगे। हमने ऑलरेडी अपने फ़ोन में काफ़ी सारी कॉल रिकॉर्डिंग ऑलरेडी करी हुई है, तो हम यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम प्रेस करेंगे। अभी यहाँ तो रिकॉर्डिंग्स में हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली है, तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कोई और। एक DCIM का ये फोल्डर जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह के फोल्डर्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती है, इसमें भी नहीं है। और ऑडियो बुक को हम चेकआउट कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। अलार्म में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं। गाइस, अगर मैं इस सारी चीज़ों को ढूंढें तो यहाँ पर ये चीज़ें मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, कॉल रिकॉर्डिंग फाइल। लेकिन मैं आपको आसानी से तरीका बताता हूँ कैसे ढूंढना है। इसके लिए गूगल फाइल को ओपन करेंगे, ये गूगल डायलर को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक कॉल करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कॉल अब हमें देखना है, तो यहीं से आप इसको चेकआउट कर सकते हो कि कॉल रिकॉर्डिंग है। एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ पर एक माइक का भी सेक्शन बना हुआ है, जो आप इसको क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस नंबर की कॉल जो है एक्चुअली रिकॉर्ड करी गई है। अब यहीं से प्ले करके इसको देख सकते हैं, यहीं से शेयर पर क्लिक करके आप इसको किसी और पर्सन को शेयर भी कर सकते हैं, और यहीं से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो यही तरीका है कि आपको वीवो के Y72 डिवाइस के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो इसके रिगार्डिंग, तो कॉमेंट सेक्शन नीचे आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, वहाँ भी अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। फिलहाल गाइस, मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।